दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मेदांता द मेडिसिटी जीवन को समर्पित। मेरा नाम डॉक्टर राजीव पारेख है। मैं दिल्ली में मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल जो गुड़गांव में स्थित है वहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी यानी खून की नसों का डॉक्टर हूँ। ये बीमारियाँ बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होती हैं, लेकिन इन बीमारियों का पता नहीं लगने के कारण बहुत ही गंभीर समस्याएँ हो जाती हैं, खास करके जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पान तंबाकू ज़र्दा किसी भी फॉर्म में जो तंबाकू होता है, उन सब चीज़ों की वजह से बहुत असर पड़ता है हमारी शरीर की खून की नसों। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ शुरू कैसे होती है। डायबिटीज़ की वजह से खून की नसों में थक्का जम जाता है यानी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसके कारण वो नसें छोटी होने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं, उनके थ्रू खून का बहाव कम हो जाता है। जब खून का बहाव कम होता है तो पूरी तरह से खून फ्लो नहीं करता, और जिस जगह का फ्लो नहीं होगा वो हिस्से में खून कम पहुंचने की वजह से वहाँ पर परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। अब हार्ट अटैक के बारे में तो आपने सबने सुना है, हार्ट की खून की नस बंद होने से हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक इसलिए होता है क्योंकि खून की नस बंद हुई और हार्ट अटैक हुआ। अगर हमारा खून जो दिमाग में सर्कुलेट कर रहा है, जो दिमाग की खून की नसों को खून जा रहा है, अगर उसमें थक्का जम जाए, वो नस सिकुड़ने लगे, दिमाग को खून कम पहुँचेगा तो क्या होगा? दिमाग का हार्ट अटैक। सुना है आपने कभी दिमाग का हार्ट अटैक? दिमाग के हार्ट अटैक से हमारे को फालिज हो सकता है, अधरंग हो सकता है, आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, आदमी चल फिर नहीं सकता और जिंदगी भर के लिए अपाहिज अपंग हो जाता है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर किसी के पैरों की खून की नसें बंद हो जाएं तो क्या होगा? पैरों का हार्ट अटैक। बीमारी वही है, सिर्फ जगह बदल रही है, कभी हार्ट में, कभी ब्रेन में, कभी पैरों में, कभी गुर्दों में। अगर आपकी किडनीज की खून की नसें बंद हो जाएं तो क्या होगा? किडनी का हार्ट अटैक यानी किडनी अटैक। किडनी अटैक का मतलब किडनी फेल हो जाएगी और फिर आपको रेगुलर सारी ज़िंदगी या तो डायलिसिस कराना पड़ेगा या नया गुर्दा, नई किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। तो ये हैं बहुत ही गंभीर समस्याएं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से और ब्लड प्रेशर रहने की वजह से हमारे शरीर में हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका पता ना लगने का, या पता लगता है बहुत लेट, जब आपकी खून की नस पूरी बंद हो चुकी है, पैर में खून जाना बंद हो गया, ज़ख्म हो जाने शुरू हो जाते हैं। शरीर के किसी भी अंग में अगर खून, अगर कोई ज़ख्म हो जाए और वो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में भर ना सके, तो एकदम से हमें सतर्क होना चाहिए कि ये ज़ख्म भर क्यों नहीं रहा है। ज़ख्म भरने का सिर्फ एक ही कारण होता है, मेन कारण जो है वो है खून ना होना। अगर पैर के अंदर आपके कोई ज़ख्म है, पंजे में कोई ज़ख्म है, वो भर नहीं रहा, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो गए और ज़ख्म नहीं भर रहा है, तो इसका मतलब आपको अपनी खून की नसों का चेकअप कराना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कौन सी नस कहाँ से कहाँ तक कितनी बंद है, ताकि उसका आपको इलाज किया जा सके और उससे आपकी खून की सप्लाई बढ़ाई जा सके। ये बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल किसी भी वैस्कुलर सर्जन यानी खून की नसों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उन लोगों के पास जाके और आप ये नसों को चेकअप कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से। जिस अल्ट्रासाउंड से पेट को देखा जाता है, जैसे हमारे पेट में पथरी वगैरह, या जो प्रेगनेंसी में बच्चे को देखा जाता है अल्ट्रासाउंड से, उसी अल्ट्रासाउंड से हम पैरों की खून की नसों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि कौन सी नस कहाँ से कहाँ तक कितनी बंद है और उस नस को कैसे हम खोल सकते हैं। जाहिर है हार्ट अटैक का आपको मालूम है कि अगर हार्ट की नस बंद होती है तो उसके दो इलाज हैं, या तो बलूनिंग करके नस के अंदर गुब्बारे से नस को खोला जा सकता है और फिर वहाँ पर एक छल्ला यानी स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि खून की सप्लाई वापस रिस्टोर हो जाती है, चालू हो जाती है। और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर पैरों का, हार्ट का बाईपास ऑपरेशन करना पड़ता है, ये भी आपको मालूम है। अगर पैर की कोई खून की नस बंद हो जाती है तो वहाँ का इलाज भी तो वही है, क्योंकि ये पैरों का हार्ट अटैक है। पैरों की खून की नसों में भी गुब्बारे से नस को खोल के उसमें एक छल्ला डाल के खून की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, और जब खून वहाँ पहुँचना शुरू होता है तो आपका ज़ख्म भी भर जाता है, दर्द भी खत्म हो जाता है, तकलीफ भी खत्म हो जाती है।
तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पैरों की खून की नसें बंद होनी शुरू हो गई? अगर आपको डायबिटीज़ है जो कंट्रोल में नहीं है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल में नहीं है, अगर आप इन दोनों बीमारियों के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट और दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, इन सब वजहों से खून की नसें धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जब आप चलना शुरू करते हैं, बैठे हुए आप बिल्कुल ठीक है, जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपकी मसल्स, जो आपकी थाई की मसल्स, जो पिंडली की मसल्स हैं, जो जांघ की मसल्स हैं, उनमें दर्द शुरू होगा। चलने से दर्द होता है, थोड़ी देर चलेंगे आपको रुकना पड़ेगा, रुकोगे तो ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा चलोगे, फिर रुकोगे, फिर चलोगे, फिर रुकोगे। अगर ऐसा होना शुरू हो रहा है तो इमीडिएटली सतर्क हो जाना चाहिए कि आपकी खून की नसों में रुकाव आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, और इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो ये जब बढ़ता चला जाता है, खून की नस जब पूरी बंद हो जाती है, तब पैर में गैंग्रीन नामक एक बहुत ही भयंकर तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी वो हिस्सा वहाँ का डेड हो जाता है। जो चीज़ डेड हो जाती है, जाहिर है उसका कोई इलाज नहीं है, डेड हुए बाद तो वो एक हिस्सा शरीर का काटना ही पड़ता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स के, बहुत लोगों के पैर काटने की नौबत आ जाती है, सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज, सारी ज़िंदगी के लिए अपंग, घर वालों पे और दूसरों पे, सब पे अपना बोझ बन जाता है, सिर्फ एक लापरवाही के कारण, क्योंकि आपने सही वक्त पे सही इलाज नहीं किया। बहुत पेशेंट्स, बहुत लोग बगैर ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों, गोलियों और इंजेक्शंस के सहारे भी नसों को चला सकते हैं। तो हमारा नंबर नोट करें, 0191-245-8647। मैं भी रिपीट करूँगा, 245-8647। इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना अपॉइंटमेंट लेके हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर हम वहाँ उस दिन उपस्थित नहीं हैं तो हमारा ई ओपीडी प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ अपने हमारे यहाँ जम्मू के सेंटर में बैठ के हमसे दिल्ली में आमने सामने कंप्यूटर के ज़रिए हमारे से बात कर सकते हैं, हम आपका डायग्नोसिस करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी इलाज होगा उसका हम आपको पूरा विवरण दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, और आप से बात करके मैं चाहूँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचे रहें, और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके घर वालों, आपके प्रियजनों के साथ ना हो। Created Medanta with the very purpose of providing the highest end of care across all super specialties at an affordable price. That was one overriding mission of ours. Medanta is an example of the coexistence of Vedic philosophies of care and compassion. Combined with the latest global technologies, infrastructure and medical practices. Providing affordable health care while continuing to push the boundaries of medical research, education and innovation. We understand that every life is precious. We are Medanta and we are dedicated to life. GK Update. Update रहें हमारे साथ।